कोई बहुत बड़े सेठ थे, बहुत अच्छे अमीर व्यक्ति थे, लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी उन पर। तो लक्ष्मी जी एक दिन ड्रीम में आई, स्वप्न में आई, कहती सेठ मैं जा रही हूँ, अभी 10 दिन बाद चली जाऊँगी, अगर तेरी कोई इच्छा है तो मांग ले, मैं कल इसी टाइम वापस आऊँगी तुम्हारे पास। दोस्तों ये कथा प्रतीक हो सकती है पर बहुत बड़ी शिक्षा देती है। सुबह उठा सेठ, अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें। बेटा डॉक्टर था, बोले पापा हॉस्पिटल बना दो, नर्सिंग होम बना दो, दवाइयों की फैक्ट्री लगा दो, चलती रहेगी। दूसरा और बेटा था, उसने कहा होटल्स बना दो, कोई मार्केट बना दो, आजकल मॉल्स बहुत चल रहे हैं, मॉल्स बना दो, दो चार मेरा काम चलता रहेगा। एक बेटी थी, उसको पूछा, बोले नहीं मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ पैसा दे दो मैं फिल्म बना लूँ। सेठ ने सबको कर दिया काम जो करना था, बोले ठीक है करता हूँ, बहुत अच्छी बात बताई। एक बेटे के घर का मेंबर रह गया एक, और उसकी पत्नी रह गई। पत्नी को पूछा, बोली आज तक मुझे नहीं आपने पूछा, जो आपको उचित लगता वो करो, आज तक तो आप अपनी मर्जी करते रहे हो। नई बहू आई थी, कुछ दिन हुए थे शादी को, उसको पूछा बेटे तू बता क्या करूं। बोली पापा गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, गरीबों के लिए स्कूल बना दो, जो गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको स्कूल नहीं ले जा पाते, उनके लिए बसेज लगवा दो, कहीं पानी के लिए इंतजाम नहीं है, पानी के लिए कुएं लगवा दो, आप अच्छे काम कर दो गरीबों के लिए। उसने कहा जी तो बहुत बड़ी बात कही, उसने शुरू कर दिए सब काम। 10 दिन बाद लक्ष्मी जी आई नहीं, फिर वेट करता रहा वेट करता रहा, लक्ष्मी जी आई 15 दिन बाद। तो बोले सेठ मैं तुम पे बहुत खुश हूँ। बोले क्यों? बोले जो काम मैं करना चाहती थी वो तूने कर दिए, अब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी।